यू मैन, पक्का भरोसा। हम लोग एक ही टीम है, एक ही गांव का है। उसका दूसरे सा थोड़ा सा ऑफ्रोडिंग पेज। Location. What's up everybody, it's me your host Hafiz Rehman and you people are watching my YouTube channel HR Vlogs. तो guys, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता सब ठीक ठाक बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। तो guys, आज एक मस्त राइड ट्रेन निकल चुके हैं हम और अब घर से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉग, अभी घर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और साथ में कौन राइड कर रहे हैं आप देख सकते हो, पीछे हमारे पीछे है इफ्तिकार भाई और आज हम अपने बाइक नहीं लाए, भाई के बाइक में आए हैं बुलेट और देख सकते हैं में है अभी की ओर बढ़ रहे हैं। डेस्टिनेशन कौन सा होने वाला है आपको टाइटल और थंबनेल देख कर तो पता लग ही गया होगा। तो लोकेशन की ओर बढ़ते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते क्योंकि अभी फिलहाल टाइम तो हो रखा है शायद 11:30 हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे 11:36 हो रखे हैं और आज है संडे। तो सोचे बहुत दिन से घर पे बैठे थे, ऐसे फ्रेश वगैरह होने के लिए हम लोग निकल चुके हैं, तो ज़्यादा बकबक नहीं करते, राइड को कंटिन्यू करते हैं। गेट के इस पार क्योंकि भाई ट्रैफिक में फंस गए तो हम पैदल आ चुके हैं। हम लोग अभी करंट है अरुणाचल में, तो ये भालुकम गेट जो है हमारे आपको डिवाइड करता है आसाम और अरुणाचल से। तो अभी भाई के चिप्स वगैरह लेने, हम भी कुछ बनाना वगैरह लेते हैं वहाँ पे, मतलब प्राइस जो थोड़ा हाई है तो जाके वहाँ से कुछ वगैरह लेते हैं, खाने वगैरह चीज़ सब, तो फिर आपको वहीं पर मिलते। तो चलिए बहुत सा डिस्टेंस कवर करने के बाद हम मोटर वॉलिंग सेटअप में आ चुके हैं और आप गाइस व्यू देख सकते हो, व्यू देख सकते हो क्या अल्टीमेट व्यू यहाँ पे देख सकते हो, वाओ अल्टीमेट। तो गाइस यहाँ से बोगीला जो है 97 किलोमीटर से और सेसा जो है 25, तो आप गाइस व्यू देखो अल्टीमेट व्यू यहाँ पे। और वेदर के बारे में बात करें तो गाइस आज को वेदर जो है सुबह को था लगभग, अब बारिश करने का चांस बहुत ज़्यादा था और धूप जो बाहर निकल चुके हैं, अभी बढ़ते आगे की ओर, डेस्टिनेशन ज़्यादा दूर यहाँ से है नहीं, हम बढ़ रहे धीरे धीरे आगे और यहाँ पे देख सकते हो गाय माता सामने, बहुत दिनों से राइड नहीं कर रहे थे, मतलब दो चार महीना हो गए मेरा तो 10 राइड था, तो मेरे कंसिस्टेंसी जो है वो मैं मेंटेन कर नहीं पा रहा। तो बस कुछ ही दिनों की बात है, 2 से 3 महीना उसके बाद आप रेगुलर ब्लॉग डालने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोग ऐसी जगह पे चाहिए था सुकून भरा दिन, तो आज के संडे तो हम कर रहे हैं। अगर कंफर्ट के बारे में बात करें तो गाइस ये बुलेट जो कि रॉयल एनफील्ड, और कंफर्ट के बारे में बात करें तो बहुत ही मज़ा आ रहा है चला के बाइक चलते, और मेरे बाइक के पास आप कंपेयर करें तो वो एक स्मूथ, मतलब स्मूथ के निकल के आता है ऑब्वियसली, हैंडलिंग पोजिशन जो वो काफ़ी मज़ेदार है, आप देख सकते हो आप बैठ पोजिशन है इसके, ज़्यादा फास्ट नहीं चला रहे क्योंकि हमें लोकेशन से हम ज़्यादा दूर है नहीं हमारे यहाँ से, तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे बैठ के मज़ा ले रहे हैं। यहाँ से 23 किलोमीटर तो आपको पता तो लग ही गया होगा कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है। तो भाई अभी मुझे मतलब वेदर का जो है मतलब वीक जो है मुझे मतलब ठंडा सा महसूस हो रहा है अभी, आप देख सकते हो काफ़ी मज़ेदार काम है यहाँ पे, ये काम को इंजॉय करने के लिए हमें मेरा बाइक साथ में लेके आना चाहिए था, तो ये काम वगैरह तो इतना लीक वगैरह कर नहीं सकते क्योंकि है हम चला रहे हैं बुलेट, क्योंकि है बहुत ही मतलब हैवी सा बाइक मेरे लिए मुझे लगता है, तो बढ़ते धीरे धीरे आगे और लोकेशन चेक कर सकते हैं काम बहुत ही, जितना बोलूँ उतना ही कम है। सोच रहे थे कि बाइक राइड पर जाएँगे और आज फाइनली आ चुके हैं आपके साथ, सुबह सुबह भाई ने कॉल किया कि चलो साथे राइड पे चलते हैं, तो मुझे भी मन था कि बहुत दिनों से राइड करूँ राइड नहीं मिल रहा था गाइस, शेड्यूल मतलब तो मेरा शेड्यूल जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, मतलब बिजी बहुत हेक्टिक हो रहा है दिन ब दिन क्योंकि भाई अभी काम वगैरह कर रहे हैं, मुझे बताएंगे आप भाई क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में बात करें तो भाई दिखा दिए टाइम वगैरह भी कभी मिल रहा है इसलिए आप पहले बुकिंग कर नहीं पा रहे हैं, कुछ ही दिनों के बाद है उसके बाद भाई जो है रेगुलर बॉक्स वगैरह शूट करेंगे, चैनल पर आप नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मतलब ये चैनल जो है इसमें आपको देंगे कुछ ही दिनों के बाद बाद में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ। आप देख सकते हो राइडर्स वगैरह जो है रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम चल रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा ऑफरोडिंग पेज हमें मिला है, हम लोग रुके थे यहाँ पे बस एक दो मिनट के लिए, और गाइस यहाँ का जो मतलब वाटरफॉल वगैरह के मतलब जो रिवर वगैरह का जो साउंड है ना भाई फैमिली चुके अलग ही मतलब सुकून सा मिलता है तो आफ्टर विस्की ड्राइविंग विस्की व्हाट अ कोर ब्रो, इट्स यू मैन, वाओ व्यू देख के मतलब आगे बढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, तो सोचिए हम क्यों ना यहाँ पे रुके
बाइक को थोड़ा सा आगे कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे गिरने का चांसेस है। तो गाइस आप यहाँ पे व्यू देख सकते हो, वाओ मजा आया। चेक करो व्यू। भाई लोग सब थोड़े रुके थे, आप चेक कर सकते हो गाड़ी यहाँ से आता है, सामने से गाड़ी आती है। थोड़ा ध्यान से चलने होंगे हमको, जरा से गड़बड़ी बोलना नब सनब होगा। तो कार चेक कर सकते हो यहाँ से, अगर आगे से गाड़ी आ जाए ना फिर तो हालत ख़राब होनी है। वाओ मैन, होकर अगर कोई आता है डबल वो भी बहुत ही दिक्कत होने वाला है ये रास्ता में। व्यू गाइस, सीकर भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया गाइस, पहले रोड से थोड़ा वाइडर रोड पे अभी आ चुके हैं, मतलब अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया है कि रोड तो पीछे था ना, तो मतलब अलग ही लग रहा था। अभी हम बढ़ रहे ऊपर की ओर, पहली बार कुछ सालों पहले हम स्नो के लिए निकले थे, मतलब स्कूल के टूर से गए थे, तब हम लोग को कुछ इस तरह का रोड एक्सपीरियंस करने को मिला था, तो मतलब बाइक से नहीं गए थे ना तो मज़ा नहीं आया। अभी हम लोग बाइक से आ रहे हैं, बाइक पे राइड करने का मज़ा ही कुछ अलग है गाइस। किला देखने मिलता है फिकर भाई, मतलब क्या बोलता, मैंने उस दिन इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाला था कि भाई को भाभी चाहिए, सच में भाई को भाभी चाहिए, भाई को नहीं मिला। अगर कोई हो तो कमेंट में बता देना भाई के लिए। जैसा है यहाँ से 9 किलोमीटर जो कि है हमारा डेस्टिनेशन, चलते हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम तो। अभी हमारा साथ ब्लॉग देखते देखते इंजॉय कर लो। सवाल को 62 प्लेट चल ही रहता है, टावर जाने के सभी दिन अभी टावर भी निकल जाएंगे। बाका भरोसा बाको तोड़ की भाई, डालो की सीट, मुझे लग रहा था कि रास्ता खत्म गया। टर्न होते ही सीधा आप एक्सीडेंट होके रखा है यहाँ पे, पता नहीं चलता है। वाओ बॉडी जो है पूरा सुस्त हो चुका है ठंड से, और आप देख सकते हो आप बढ़ रहे हैं आगे की ओर। और यहाँ से सेसा जो है मतलब 1 किलोमीटर सा है, 1.5 किलोमीटर हमें बस बारिश गिरा नहीं चाहिए, बारिश गिरा तो हालत टाइट होने वाला है आप लोग का। अब अगर आप लोग पेड़ के आते तो कुछ अलग सीन होता, पर मेरा आवाज़ जो है वो थोड़ा बैठ जा रहा है जैसा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। अभी हम इंजॉय कर रहे हैं, अभी आप भी देख सकते हो राइडर्स वगैरह ऊपर से होके आ रहे हैं, हमको भी साइड चेकिंग वगैरह लगा के आ रहा चाहिए था। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग आएंगे सेसा नहीं जाएंगे, अभी सेसा पार होकर टेंगा या फिर तवांग तक कवर करेंगे। आज भी फिगर भाई बोल रहे थे कि आप तवांग वगैरह कवर करें, पर टेंगा तक कवर करें एक्चुअली, पर मेरा मन बोर्ड का नहीं बन रहा क्योंकि कपड़ा हम लोग को नहीं लाया और हर से मतलब बॉडी से सूट होकर रखा है। और आई थिंक ये ऊपर का जो है सीट देख लो, यानी ऑलमोस्ट आप लोग कैसा पहुँचने वाले हैं, और मतलब क्लाउड देख सकते हो बहुत ही सामने, वहाँ पे क्लाउड देख सकते हो। वाओ एक्सपीरियंस, यही सब चीज़ मुझे जब हम शिलोंग के लिए गए थे तब ये सब चीज़ हमको विंटेज करने के लिए मिला था, और अभी बहुत सालों बाद वो बारिश गिर रहा है लगता है, ऐसा ही लग रहा है सीट देख के। तो वेलकम टू थेरेपी बोले
API of Tamag S 263 of the DA, Rotel Asangsu, or Sayed Hamlok Chesa, Coach Kehe. So, guys, हमारे साथ साथ आप लोगों को भी वेलकम टू सेसा और यहाँ पे देख सकते हो शायद ये रूबिकेट या फिर गोरखा होगा शायद बोलेरो है अलग तरह से इसको मॉडिफाई करके रखा गया है यहाँ पे गोरखा जैसा आपको लगा था पहले आपको लगा रूबिकेट वगैरह तो नहीं है वाओ वाओ मैन अल्टी मैन अरे सीरियस ओ मैन क्या सीन है यहाँ पे क्या सीन रोड्स देख सकते हो काफ़ी देर हो चुका है यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं हमारे भाई जो उस टाइम हमें मिले थे तो वही भाई ने हमें सिग्नल दिया तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं यहाँ पे रुके थे खाना वाना खा लिया तो यहाँ लोग मतलब वहाँ पे जो मिले ना हम लोग को सिग्नल दिया कि यहाँ पे आओ और बेटा तो खाना वाना खा लिया अभी देख सकते हो सब लोग यहाँ पे हैं हाय और उधर कुछ भाई लोग हैं हम लोग एक ही टीम है एक ही गांव का है रास्ता में मिल गया और थैंक यू फॉर द ट्रीट भैया थैंक यू भैया से मिलकर अच्छा लगा और अब देख सकते हो भाई यहाँ पे भी हो रहे हैं सब लोग हाय बोल दो तो भैया लोग आगे बढ़ रहे हैं और भैया का कुछ काम अब कहाँ जाएंगे हम सेपा जाएगा ठीक है भैया का डेस्टिनेशन सेपा हम लोग यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे शायद थोड़ा आगे तक रिटर्न होगा थोड़ा ये झरना तक जाएगा हम लोग एक साथ में ठीक है झरना से आप लोग फिर वापस हम लोग फिर उधर ठीक है फिर आगे बढ़ा हम लोग भी पीछे जाते हैं ठीक है चलिए तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपना मॉडलिंग सेटअप में तो भाई लोग अपने कार पे जा चुके हैं और खाना है यहाँ पे हम लोग खाए थे तो आप लोग भी आकर यहाँ पे खाना वगैरह तो बहुत ही बढ़िया था खाना वगैरह मतलब कम प्राइस में तो चलते हैं आगे और ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं तो गाइस हम लोग मतलब आए थे सेसा के लिए और मतलब वहाँ पे जो भाई लोग मिले थे भैया लोग ने हमें मतलब बोला कि आगे और एक अच्छा सा डेस्टिनेशन है यहाँ से ज़्यादा सेसा से ज़्यादा दूर नहीं है लगभग 5 से 6 किलोमीटर हम यहाँ पे आए हैं और यूँ मतलब अलग सीन ही मतलब देखने को मिला थैंक यू टू भैया जो कमेंट किया कि यहाँ तक आए और बहुत ही ज़्यादा मुशक्कत के बाद हम लोग कपड़ा वगैरह नहीं लेते आप मेरा फेस वगैरह में देख सकते हो मतलब रिंकल जैसा कुछ आ चुका है अभी क्योंकि ठंड कुछ मेरा कुछ प्रॉब्लम है थी बॉडी में पता नहीं क्या मरे जा रहे थे अंदर से पर फिर भी कोई नहीं जोश है अंदर आपके भाई में तो बस आप लोगों के लिए कुछ भी और बोलते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है तो 1, 2, 3 के लोकेशन चेक करो गाइस पीछे वाटरफॉल अल्टीमेट और आप पीछे देख सकते हो फोटोशूट वगैरह भी चल रहे हैं यहाँ पे फिगर मार रहे हो वहाँ पे भैया 360 व्यू आपको देते हैं तो चेक करो यहाँ पे आए तो भाई लोग फोटो शूट कर रहे थे यहाँ पे भाई लोग रुक के और आप लोकेशन चेक कर सकते हो बहुत ही अल्टीमेट लोकेशन है यहाँ पे और भाई लोग कुछ बोलना चाहोगे आप लोग भी आइए अरुणाचल में मीठी मौसम का ये कुछ बोलो कितना क्या बोलना चाहोगे तो इतने फोटो वगैरह के लिए बहुत है अच्छा प्लेस है तो वही है गाइस आप लोग अरुणाचल में आओ विजिट करो और सेसा से लगभग 5 से 10 किलोमीटर यहाँ पे दूर आओ और मतलब ये लोकेशन आपको देखने को मिलेगा बहुत ही अल्टीमेट लोकेशन है गाइस डेस्टिनेशन हमारा एक्चुअली सेसा था तो हम लोग भैया ने बोला यहाँ पे रेकमेंड किया तो वाटरफॉल हम लोग यहाँ पे आए और वाटरफॉल बहुत ही अल्टीमेट था आप देखे अल्टीमेट मतलब बोल तो वाओ और वेदर के बारे में बात करें तो बहुत ही कोल्ड है और हम लोग भैया लोग को यहाँ से गुड बाय कर देंगे क्योंकि भैया लोग अभी जाने वाले हैं सेप्पा और हम लोग भी शायद यहाँ से रिटर्न करेंगे तो ब्लॉग को ज़्यादा कंटिन्यू और लंबा नहीं करते तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं अगर ब्लॉग को आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको नए नए ऐसे वीडियोज़ मिलते रहेंगे और टूर वगैरह आते रहेंगे तो हम लोग नेक्स्ट प्लान करेंगे तमाम वगैरह कुछ जो आगे ब्लॉग में बताएंगे आपको तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना कमेंट करना शेयर करना और चैनल को नया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और भैया लोग को हम लोग यहाँ पे गुड बाय कर देते हैं तो मिलकर अच्छा लगा बढ़िया तो भाई लोग भी जाओ ठीक है अच्छा से जाइए ठीक है मिलते हैं तो इस फिकर भाई चलो हम लोग घर चलते हैं।